बाबू बहुत सारे सिरे हैं आपसे बात करने के और बहुत तसल्ली से बात करेंगे। मुझे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी के दिनों की बात भी जाननी है। आजादी के बाद देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी आइडियोलॉजी नहीं रहा। और ये भी जानना है कि अहमद पटेल से आप नाराज क्यों हो गए 2017 के राज्यसभा चुनाव के वक्त। तो आधे वोट से अहमद भाई पटेल जो जीते राज्यसभा में, ये मैच फिक्सिंग का। और ये भी जानना है कि आपका झगड़ा केशु बापा से था या नरेंद्र मोदी से था। जब से हमने बीजेपी छोड़ी तब से इन्होंने हमको छोड़ा। जब जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर इल्जाम लगता है बड़ोदरा डायनामाइट केस का, तो उसके एक आरोपी बुलेट पे आपके पीछे बैठे हुए थे, उसकी क्या कहानी है। मुझे ये भी जानना है कि लोगों ने कहा कि बापू को बड़ा अफसोस है कि वो 77 में चुनाव लड़के दिल्ली निकल लिए, केशु बापा ने ठीक दांव चला, यहीं रहे और बाबू भाई की सरकार में मंत्री भी बन गए। मुझे आपसे ये भी जानना है कि हजूरिया और खजूरिया की लड़ाई में वाकई किसी की मंच पर धोती खुली थी, वाकई अटल बिहारी वाजपेयी रोए थे, वाकई उन्होंने आपसे कहा था कि जिस दफ्तर में तुमने झाड़ू लगाई, जिसको तुमने बनाया, उसको कैसे छोड़ के जा सकते हो। इस फंक्शन में इनका प्लान ही था इनको मारो, नंगे करो, ठोको। मुझे ये भी जानना है कि काकरिया की रैली में ऐसा आपने क्या बोल दिया था कि सी डी पटेल को बुरा लग गया था और सीताराम केसरी के सब आश्वासन धरे रह गए थे। क्या बोले उसमें सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष? भागेला हो, फागेला हो, ऐसा कुछ। तो मैंने बोला केसरी हो, ठेसरी हो। और जिस दिन आप दिल्ली में एक साल का अपने मुख्यमंत्री का जश्न मना रहे थे, उसी समय आप मंच से उतरे और कान में फुसफुसा दिया गया, बापू आपके नीचे से कालीन खींच ली गई। वो एंटी पार्टी लोग रहे, थर्ड क्लास बिलो स्टैंडर्ड लोग। मुझे ये भी जानना है कि जो अहमद भाई आपको कांग्रेस में लेकर गए थे, उन्हीं अहमद भाई को आपके खिलाफ 2009 में क्यों बताया गया? वो कौन सा एनकाउंटर था आपके दौर का जो 2009 की सीट में आपके लिए मुसीबत बन गया? जो कमिटमेंट था फिर भी मैंने ना कहा, मैं जरूर पब्लिकली स्वीकार कर रहा हूँ। मुझे ये भी जानना है कि क्या पुत्र मोह में वापस आप अपनी नई नवेली पार्टी को खत्म करके कांग्रेस में जा रहे हैं? आपको राइट है, जो भी आपको जानना होगा वो पूरे उस आवाज से, सत्य और सत्य, सत्य के अलावा कुछ नहीं होगा, विद फुल इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा आपको। अच्छा। जी।